Allahu, 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 Allah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu 'alayka ya Muhammad. 2022 में जितने मुंह इतनी बातें चल रही हैं कि ग़ज़वतुल हिंद होना है 2022 में, 2022 में दज्जाल ने आना है, 2022 में इमाम महदी ने आना है, तो देखें हर चीज़ 2022 में ही नहीं हो जानी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है इंशाल्लाह, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। जो दज्जाल का मामला है कि वो 2022 में आएगा या नहीं आएगा, देखें दज्जाल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दज्जाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वो 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा। उसका पहला दिन जो है वो एक साल की तरह होगा, यौमुन का सना, एक साल की तरह, यौमुन का शहर, फिर दूसरा दिन उसका एक महीने की तरह होगा, यौमुन का जुमा, तीसरा दिन जो होगा वो उसका एक हफ्ते की तरह होगा, और बाकी जो दिन होंगे वो हमारे आम दिनों की तरह ही होंगे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, जो वीडियोस डिटेल में इस टॉपिक पे पड़ी हुई हैं, कि जो पहले तीन दिन हैं दज्जाल के, ये एराज हैं, सिस्टम्स हैं। पहला दिन जो है वो दज्जाल का जो ब्रिटिश राज है, बरतानवी राज है दुनिया के ऊपर, वो हो सकता है। दूसरा दिन जो है वो जो अमेरिका ने बदमाशी मचाई हुई है दुनिया के ऊपर, जुल्म व सितम का राज है अमेरिका की क़यादत में, ये दूसरा दिन हो सकता है और मोस्ट प्रॉब्ली है। और तीसरा दिन जो है वो यहूदी ज़ायनिस्ट जो है वो दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए जो फसाद करेंगे, वो दज्जाल का तीसरा दिन यकीनन है। तो इसका मतलब दज्जाल के दौर में तो हम रह रहे हैं, 2022 दज्जाल के दूसरे या तीसरे दिन में एक साल होगा। एक्चुअल दज्जाल जो है वो एज़ अ पर्सन जब आना है, वो आना है इमामुल महदी के बाद। इमामुल महदी की तमाम तर निशानियां पूरी हो चुकी हैं, अब उनकी बैत का वक्त है, और हमारे अंदाज़ों के मुताबिक 5-6 साल उनकी बैत में बाकी हैं। और जब इमामुल महदी के हाथ पर बैत की जाएगी, उसके बाद ग़ज़वतुल हिंद होगा, और ग़ज़वतुल हिंद जो है वो फैलते फैलते जो है वो जो वर्ल्ड वॉर 3 है, आर्मगेडन है, हरमजदून है, जो एक आलमी जंग तहजीबों का टकराव है, ये इसकी सूरत इख्तियार कर लेगा, और उसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। और 7 साल तक इमामुल महदी की हुकूमत दुनिया के ऊपर कायम रहेगी, और ये वो दौर होगा जिसमें कोई गमगीन नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होंगी, और खुशहाली ही खुशहाली होगी, हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। इन 7 सालों के इख्तिताम पर फिर दज्जाल ज़ाहिर होगा, और दज्जाल एज़ अ पर्सन उस वक्त ज़ाहिर होगा, और वो जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर अमन और सुकून होगा उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेगा। तो दज्जाल एज़ अ पर्सन उसके बाद ज़ाहिर होगा। तो इस तरह वल्लाहु आलम, एक्चुअल नंबर्स तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन मेरे ज़ाती अंदाज़े के मुताबिक इसमें तकरीबन कोई 12-15 साल दज्जाल के ज़ाहिर होने में अभी रहते हैं। तो 2022 एज़ अ पर्सन दज्जाल, जो हमें निशानियां बताई गई हैं, जो हालात वाक़ियात हदीस में आए हैं उनकी तरतीब के मुताबिक, वो दज्जाल का नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बिहाइंड द सीन्स दज्जाल जो है वो, अगर 12-15 साल उसके आने में रहते हैं, और वो कुछ
नरेशंस के मुताबिक हमें यह पता चलता है कि तकरीबन 40 साल के लगभग होगा वो जब आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अभी उसकी जो मतलब वो सने बलूगत से बियॉन्ड है और वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यकीनन कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स कर रहा है, वो लोगों के सामने उस तरह से नहीं आता दज्जाल के तौर पर। अगर आता भी होगा तो वो किसी नेक सूरत में आता होगा, लोगों के सामने अच्छा बनकर आता होगा और लोगों के अंदर जो है ना वो अपना अच्छा इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो लेकिन वो जो उसकी शरारतें हैं, उसके जो उसका उसका उसकी शैतनत है और जो उसका जुल्म है और जो उसका जादू टोन है और असरात हैं, वो पीछे से ज़रूर लोगों के ऊपर असरंदाज हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब को फितने दज्जाल से महफूज फरमाए, और अल्लाह ना करे अगर हम उस दौर में हों जब दज्जाल ज़ाहिर हो, तो अल्लाह ताला हमें अहले हक में से रखे और अहले बातिल से हमें दूर फरमाए, और अल्लाह ताला के दुश्मनों के साथ लड़ने वाला हमें बनाए और अल्लाह ताला के दुश्मनों के साथ शामिल होने से बचाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वलमुस्लिमात।